हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका नोनी भाई, स्वागत है भाई आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। तो भाई अभी है ना, मैं है ना BYD आया था, ये BYD के शोरूम में। ये एक नई कंपनी जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है, बिल्ड योर ड्रीम्स, जैसा कि आप देख सकते हो। और भाई इन्होंने ना मतलब ओखला रोड पे जो है, ये ओखला में जो है एग्जिस्ट करती है। बाकी भाई इनकी गाड़ी है एटो 3, और साथ ही में भाई एक और आती है E6, वो उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ऊपर आई बटन में यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा आपको। बाकी भाई अभी बात करते हैं एटो 3 की। तो भाई ऐसी कुछ गाड़ी जो है आपको देखने को मिलती है फ्रंट से, प्रॉपर है ना, मतलब जो है BYD यहाँ पर बैजिंग दे रखी है इन्होंने, और बंद बंद सी ग्रिल है पूरी, क्योंकि भाई EV कार है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। और लुक की बात करें अगर इसकी, तो फ्रंट में भाई यहाँ पर आपको DRL और इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, ड्यूल प्रोजेक्टर देखने को मिल जाते हैं। भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात करी जाए तो 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि भाई छोटे मोटे ऑब्स्टिकल से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। गाड़ी है ना फुल लेंथ गाड़ी है, और बढ़िया कंफर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं 2 पॉइंट के, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और इसमें जो है ना यहाँ पर आपको कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है। और साथ ही में भाई एक बार लुक देखो गाड़ी की, मतलब है ना अलग ही लग रही है, पूरी फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी लग रही है। साथ ही में है ना साइड प्रोफाइल की बात करी जाए अगर, तो साइड प्रोफाइल में भाई आपको 215/55R18 के जो है टायर्स मिल जाते हैं। साथ ही में भाई ये 18 इंची के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। यहाँ पर भाई इसका हो गया चार्जिंग का पॉइंट, जहाँ से आप अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। DC फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर आपको BYD डिज़ाइन की जो है बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऑटो फोल्डिंग ORVMs आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में साइड से लुक देखो एक बार, गाड़ी काफ़ी है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया बना रखी है भागने के पर्पस से, मतलब बढ़िया लुक दे रही है गाड़ी साइड से। और यहाँ पर जो है आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है काफ़ी बढ़िया, और ये क्रोम है ना पूरा यहाँ आगे से लेके पीछे तक इसमें ऐड किया गया है ऊपर और नीचे। ये रूफ रेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है इंटीग्रेटेड, सनरूफ भी मिल जाती है जो कि बी पिलर तक आपकी ओपन होगी। पीछे की बात करें तो भाई ऊपर शार्क फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ये भाई लैंडमार्क BYD का आपको यहाँ पर जो है स्टिकर देखने को मिल जाएगा अगर आप लैंडमार्क से परचेस करते हो। ये भाई रियर डिफॉगर मिल जाते हैं इसमें, और रिवर वाइपर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। पीछे से लुक देखो भाई इसकी, पूरा है ना ये कनेक्टिंग LED है, मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो पीछे से कुछ ऐसी लगती है ये LED देखने में, जब आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये इल्यूमिनेट होगी। साथ ही में EV की बैजिंग यहाँ आपको देखने को मिल जाती है, एटो 3 यहाँ देखने को मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही में भाई 4 पॉइंट के रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर्स के साथ, जो कि भाई पीछे से ना लुक तो काफ़ी बढ़िया आ रही है गाड़ी की, खड़ी हुई है ना ज़बरदस्त लग रही है। चाबी की भी मैं आपको बता देता हूँ, लॉक एंड लॉक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, 2 बार इसको प्रेस करेंगे तो बूट खुल जाएगा। और ये हो गया भाई आपका स्टार्ट करने के लिए बैटरी को। स्पेस की बात करें तो भाई 440 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में जो है देखने को मिल जाता है, ऐसा आपको बूट स्पेस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको भाई कोई भी जो है स्टेपनी नहीं देखने को मिलेगी, जो स्पेयर टायर जिसे बोलते हैं, आपको इसमें जो है ना पंचर रिपेयर किट इसमें देखने को मिल जाती है। साथ ही में यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाता है काफ़ी सारा, जहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, और एक लैंप देखने को मिल जाता है बूट में। और रिवर्स जब आप बैक करोगे गाड़ी तो यहाँ पर वाइट लाइट जो है जलेगी, आपको इधर टेल लाइट में नहीं मिलेगी रिवर्स लैंप। साथ ही में है ना इलेक्ट्रॉनिक बूट है, तो इसको यहाँ से एक बार बंद कर देते हैं बटन दबा के। ये तो हो गई भाई गाड़ी के बाहर की बात, अब है ना एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई अंदर से गाड़ी कैसी देखने को मिलती है हमें BYD की। तो भाई अंदर से गाड़ी अनलॉक करने के लिए ना हमें कुछ नहीं करना, रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड दिए गए हैं, इसको दबाना है और गाड़ी हो गई अपनी अनलॉक। चलते हैं गाड़ी के अंदर। डोर की बात करें तो काफ़ी अट्रैक्टिव इसका डोर जो है हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पर पूरी सॉफ्ट टच की फिनिश दे रखी है, पूरा डोर ये हार्ड प्लास्टिक है, बाकी भाई पूरा सॉफ्ट टच इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भाई ये गिटार की स्ट्रिंग से देखने को मिल जाती है, जो कि भाई स्पीकर पे लगी हुई है। ये बूट ओपन करने के लिए आपको बटन मिल जाता है, साथ ही में काफ़ी भाई इंटरेस्टिंग बना रखा है इन्होंने। और ये ऑटो फोल्ड के आपके कंट्रोल मिल गए, मतलब ORVM के कंट्रोल ये हो गए। साथ ही में भाई आपको जो है
चारों ऑटो डाउन और ऑटो अप जो है पावर विंडोज देखने को मिल जाती है, वन टच डाउन वन टच अप। साथ ही में गाड़ी में सनरूफ देखने को मिल जाती है आपको पूरी बड़ी पैनारोमिक। तो एक बार गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट, काफ़ी गर्मी हो रही है। ये ब्रेक करी प्रेस हमने और इसका स्टार्ट बटन भाई ये रहा, ये करा प्रेस। अमेजिंग भाई, गजब, मतलब मज़ा ही आ गया आवाज़ सुन के। तो है ना, लाइट्स को बंद कर लेते हैं एक बार। हाँ, गाड़ी में आपको पूरी बड़ी जो है सनरूफ देखने को मिल जाती है पैनारोमिक, जो इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हो, जो कि भाई ये पूरे है ना टच कंट्रोल्स हैं, आप एक बार टच करोगे तो ये बंद होना स्टार्ट हो जाए। डोर्स की है ना काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, यहाँ पर कहीं आपको डोर हैंडल नहीं देखने को मिलेगा, आपको है ना इसको सिंपली ऐसे खींचना पड़ेगा और जो है आपका डोर ओपन हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मेरे को। और एक दो तीन और चार पॉइंट के जो है आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं गाड़ी में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं। इनको आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो और इनको बंद भी कर सकते हो आप इस तरीके से। और ये हो गया भाई इसका ग्लव बॉक्स, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा आपको देखने को मिल जाता है। और सनवाइज़र की बात करें तो भाई दोनों ही साइड आपको लाइट और वैनिटी मिरर के साथ आपको सनवाइज़र इसमें देखने को मिल जाता है BYD की एटो 3 में। और तीन पॉइंट के जो है आपको ग्रैब हैंडल्स गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे सॉफ्ट क्लोज वाले। और साथ ही में ना भाई ये पूरा बड़ा सा जो है इसमें म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें काफ़ी सारे कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ ये म्यूज़िक सिस्टम नहीं है आपका, पूरी गाड़ी इसी से कंट्रोल हो जाती है। यहाँ आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, ये आपका क्लाइमेट कंट्रोल के फीचर्स हो गए। और ये टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपना। अभी गाड़ी स्टार्ट है और कोई बता भी नहीं सकता भाई गाड़ी स्टार्ट है। तो भाई इसमें है ना आपको जो है सारे फीचर्स गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। ऐसा इसका गियर बॉक्स है, जिसको यहाँ पे अनलॉक करके जैसे मैं ये ड्राइव पे करूँगा तो अब गाड़ी होगी डीप है, ये चलने के लिए जो है रेडी है। और पार्किंग ब्रेक जो भी है ये इलेक्ट्रॉनिक है और ये अभी एंगेज नहीं है। अब जैसे ही मैं इसे पी पे डालूंगा ना, ऑटोमेटिकली जो है पार्किंग ब्रेक यहाँ पर लग जाएगी। साथ ही में भाई ये रिवर्स पार्किंग का दिखा देता हूँ आपको। तो 360 कैमरा गाड़ी में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि भाई आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैं स्टेयरिंग को घुमाऊँगा तो साथ के साथ जो है ये आपको बताता रहेगा। जैसे कि आपको अगर ना पसंद आए कि भाई ये जो है ना इस तरीके से क्यों है, आप इसको है ना दबा सकते हो, यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है ये वाला, और इसको यहाँ से दबाओगे तो ये पूरा घूम के अपना उसमें हो जाएगा पोर्ट्रेट में, जो कि पूरा टेस्ला टाइप आपको देखने को मिलेगा। इसको फिलहाल होम दबा देते हैं। और इसमें है ना भाई बिल्कुल लैग नहीं है, इतनी बड़ी स्क्रीन आपको बीच में देखने को मिल जाती है जिसमें कुछ लैग नहीं है, आप इसमें बढ़िया जो है अपना यूज़ कर सकते हो। साथ ही में कैमरा मिल जाता है आपको इसमें, इनबिल्ट डैश कैम इसमें आपको देखने को मिलता है, जिसकी फुटेजेस वगैरह आप जो है निकाल सकते हो। इसमें वाईफाई वगैरह सब मिल जाता है आपको, यहाँ से जो है पूरा वाईफाई वगैरह सब मिल जाता है, आप इसे अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर भाई BYD की सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर आपको जो है ना एल्टीट्यूड वगैरह सब दिखा देता है कि कितनी ऊंचाई पे गाड़ी खड़ी है और कितना जो है इसका मतलब डायगोनल पोजीशन पे है, कैसे है, टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है, वो सब बताता है इसमें। और ये आपको जो है एक छोटे से जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, ये डेडिकेटेड जो है स्पीडोमीटर और जो है आपका ओडोमीटर का काम करेगा। साथ ही में आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले भी दिखा देता है, 28 डिग्री टेम्परेचर बाहर अभी फिलहाल में हो रहा है। और काफ़ी चीज़ बढ़िया लगी भाई मेरे को इसमें, जैसे है ना टच कंट्रोल्स दे रखे हैं, देखो मैं इस पर सिर्फ टच करूँगा और ये अपने आप जो है सेंस करेगा और लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। भाई अंदर से है ना ये मतलब सारे फीचर्स इसमें फ्यूचरिस्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे BYD की एटो 3 में। और यहाँ पर है ना आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, ये मोड वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बटन मिल जाएंगे, वेंटिलेटेड सीट भी आपको गाड़ी में देखने को मिल जाएगी, और वॉल्यूम वगैरह का आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब पूरा है ना भाई। वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी इसमें आपको गाड़ी में देखने को मिल जाती है, ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको अंडर सीट मतलब अंडर आर्मरेस्ट जो है स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और साथ ही में है ना इसमें आपको लग रहा होगा पूरा प्लास्टिक प्लास्टिक सा है, मगर भाई ये है ना पूरा सॉफ्ट टच है यहाँ पर, और हाथ रखने में काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को। और सीट्स की बात करी जाए गाड़ी की, भाई बड़ी कंफर्टेबल है। तो एक बार है ना मैं आपको सीट दिखा देता हूँ, पहले डोर खोल लेते हैं यहाँ से अपना यूनिक वे में। और ऐसी सीट्स आपको जो है देखने को मिलने वाली है BYD की एटो 3 में,
जो कि भाई दोनों तरफ से है ना अपने को होल्ड करके रखती है गाड़ी को, और जो है बंदा ड्राइविंग पोजीशन में आ जाता है। साथ ही में नीचे भी स्टोरेज देखने को मिल जाती है जहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, और यहाँ पर आपको जो है ना चार्जिंग वगैरह के पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपना जो है एसडी कार्ड लगा सकते हो। जैसा कि इस गाड़ी में इंटीग्रेटेड डैश कैम आता है उसके लिए ये 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया आपका। भाई गाड़ी की सीट को है ना भी मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, और है ना एक बार पीछे चल के देखते हैं गाड़ी में कितना कुछ स्पेस बच जाता है मेरे ऐसे बंदे के लिए। तो एक बार चलते हैं पीछे, सीट एडजस्ट कर लूँ पहले। और हाँ स्टेयरिंग की बात कर लें तो भाई टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों मिल जाता है स्टेयरिंग, और स्टेयरिंग में ही पूरी यूनिट लगी हुई है आपकी, जो मीटर की है अलग नहीं है। तो एक बार चलते हैं भाई पीछे की तरफ, भाई एक बार चलते हैं पीछे की तरफ। ये खोला डोर, काफ़ी बढ़िया जो है पोजिशनिंग है डोर खुलने की, अंदर मैं कंफर्टेबली जा पा रहा हूँ। और साथ ही में है ना अब कर लेते हैं डोर बंद, और है ना ये भाई देखो इतना स्पेस मेरे को देखने को मिल जाता है इसमें एज अ लेग रूम। और हेडरूम की बात की जाए तो भाई इतना हेडरूम देखने को मिल जाता है, और कंफर्ट देख लो भाई पीछे से अच्छे से है ना, सर्वर मेरा पूरा लगा हुआ है, मेरा सर्वर जो है यहाँ का वो पीछे टिका हुआ है मस्त तरीके से। बीच में आपको जो 6 फुट की हाइट वाला बंदा भी देखो कितना हेडरूम बच रहा है भाई का, और लेग रूम देखो। हाँ भाई पीछे भी आपको रियर एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, BYD डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और पीछे वाले लोगों का पूरा ध्यान रखा गया है। दोनों टाइप के जो है ना टाइप सी टाइप ए मिल जाते हैं हर टाइप के पोर्ट। यहाँ पर भी आपको मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ मैगजीन होल्डर और कुछ भी होल्ड करने के लिए आपको स्पेस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको भाई जो है इसमें कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं 2 आर्म रेस्ट में, वो भी भाई पूरे सॉफ्ट सॉफ्ट है, अंदर ग्लास के लिए भी गद्दा लगा रखा है। बढ़िया है यार ये मज़ेदार गाड़ी है, मज़ा आ रहा है यार। वो मेरे तो है ना भाई मन ही नहीं कर रहा कि मैं गाड़ी से उतर जाऊँ, इतनी अच्छी लग रही है गाड़ी अंदर से। कौन कहता है भाई चाइनीज गाड़ी है, मतलब है ना ऐसी गाड़ी को इंडिया में लाओ भाई ज़रूरत है यार, इंडिया में ऐसी गाड़ी अभी तक है नहीं। और साथ ही में ना भाई यहाँ पर ये देखो ये गिटार के स्ट्रिंग्स वगैरह लगा रखे हैं जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं देखने में। भाई गाड़ी का एक बार है ना हुड खोल लेते हैं और इसके बात कर लेते हैं इंजन की जो भी है, और देखते हैं आगे चलते हैं बात करते हैं इसकी पावर वगैरह की, कैसी कुछ पावर प्रोड्यूस करती है ये BYD की एटो 3। और बोनट खोल लेते हैं इसका, कहाँ गया इसका खोलने का ना, इसमें तो है नहीं कुछ खोलने का। और भाई इसमें जो है ऐसा कुछ जो है आपको इसमें मोटर वगैरह देखने को मिलती है, बहुत यार स्पेस है इसके इंजन में देखने को, आप देखो ना कितना स्पेस है इसमें भाई, कुछ भी डाल के ले आ सकते हैं हम इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए ऐसा कुछ रिकमेंडेड नहीं है। और ये भाई आपको 201 BHP की पावर प्रोड्यूस कर देता है, साथ ही में 310 NM का जो है टॉर्क प्रोवाइड कर देती है मोटर आपकी, और जिसकी रेंज रहने वाली है, पहली बार रेंज को तो छोड़ो यहाँ देखो ना आपको दो दो कैमरा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भाई इस गाड़ी में आता है एडैस में जो है, और साथ ही में भाई इसमें आता है आपका इंटीग्रेटेड डैश कैम, जिसकी वजह से आगे दो दो क्या तीन तीन कैमरा देखने को मिल रहे हैं भाई, यहाँ भी कैमरा है हर जगह कैमरे से भरी पड़ी है गाड़ी। 521 की रेंज जो है कंपनी क्लेम करती है, बाकी भाई जो है गाड़ी काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को देखने में BYD की एटो 3। बाकी आपको कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।